नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कौन कौन सी ये विघटन देते हैं और किस प्रकार से अपन इनसे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण कर सकते हैं, इन सभी प्रकार की बातों का अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं, किसको अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलेंगे। तो जिसको अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। इसका मतलब ये होता है कि वे यौगिक जिनमें कार्बन सीधे बंध के द्वारा धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या कार्बधात्विक यौगिक। तो अपन ये कहें कि जिनमें धातु मेटल M का मतलब मेटल, और मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड के द्वारा यदि कार्बन जुड़ा हुआ है जिन कंपाउंड्स में, उन कंपाउंड्स को अपन कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सीधी सी बात है कि कार्बन से अगर सीधी धातु जुड़ी हुई है सीधे बंध के द्वारा, उनको अपन कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। जैसे अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि जैसे मान लो मैंने ले लिया मिथाइल CH3MgX, अक्स कोई हेलोजन परमाणु है, कार्बन मिथाइल समूह है, तो इसमें जो कार्बन है इस कार्बन से सीधी मैग्नीशियम धातु जुड़ी हुई है, तो कार्बन और धातु के मध्य डायरेक्ट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये CH3MgX मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये कैसा यौगिक हो गया, कार्बधात्विक यौगिक होता है। इसके अलावा अपन और एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे मान लो RLi धातु से डायरेक्ट, लिथियम क्या है, धातु है, मेटल है, और धातु से डायरेक्ट एल्किल समूह जुड़ा हुआ है मतलब कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं अपन कार्बधात्विक यौगिक। तो अपन सीधी सी बात यही हुई कि अगर कार्बन से सीधी धातु जुड़ी हुई हो तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बधात्विक यौगिक। अब बात करें कार्ब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या कार्बधात्विक यौगिक में सबसे मोस्ट कॉमन कार्बधात्विक यौगिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको अपन कहते हैं ग्रिग्नार्ड विकर्ण। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जिसको अपन किस रूप में लिखते हैं RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये सामान्यतया डाइमर के रूप में पाया जाता है, जैसे मान लो RMg और ये X है, फिर दूसरा RMg और ये X है, तो हेलोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर धातु परमाणु को दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक इक्विलिब्रियम रूप बनाता है, जिसको मैं इसे लिखूं 2RMgX, या इसको अपन ऐसे लिखे R2Mg plus MgX। तो इस प्रकार से ये इक्विलिब्रियम रूप में पाया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और विभिन्न प्रकार के इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का अपन संश्लेषण करते हैं। अब अपन बात करें कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो बनाने की विधि या अपन लिखें फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में मैं लिखूं GR, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड लेते हैं अपन, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। अब इसकी रिएक्शन लिखे अपन केमिकल रिएक्शन, तो एल्किल हैलाइड क्या होता है RX प्लस मैग्नीशियम धातु, और अपन ड्राई ईथर
ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर इस विक्रिया में कोई नमी रहती है तो उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है ईथर, इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या प्राप्त होगा अपन को? RMGX का निर्माण हो जाता है, गिरनार अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है। अब जो ये गिरनार अभिकर्मक बना RMGX, इसके बारे में बात करें अपन, तो धातु मैग्नीशियम मेटल है और धातु की प्रकृति होती है, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो धातु पे आंशिक धनावेश, कार्बन पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार जो कार्बन है इस पे आंशिक क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। धातु पे आ गया आंशिक धनावेश आ गया। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार आवेशित रूप में ये अपना अस्तित्व रख सकता है। अब अपन बात करें कि गिरनार अभिकर्मक है, इसकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है या इसके द्वारा अपन कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनका निर्माण अपन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ गिरनार अभिकर्मक, केमिकल रिएक्शंस गिरनार रिएजेंट की रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें सबसे बेस्ट अपन ले रहे हैं सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन यौगिकों के साथ अभिक्रिया, यौगिकों के साथ अभिक्रिया, सक्रिय हाइड्रोजन जिनके यौगिकों के पास पाया जाता है उनके साथ गिरनार अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये सामान्यतया एल्केन का निर्माण करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो मैंने लिया गिरनार अभिकर्मक CH3MgX, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब जो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड है इसके अभिक्रिया अपन सक्रिय हाइड्रोजन, मतलब कि सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि वे यौगिक जिनके जिनके पास हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ होता है वह हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन कहलाता है। तो जैसे मान लो कि अपन बात करें सक्रिय हाइड्रोजन की बात करें, तो जैसे मैं एग्जांपल लिखूं H2O, तो H2O में ऑक्सीजन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यह हाइड्रोजन कहलाता है सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव है सक्रिय हाइड्रोजन। ऐसे अमोनिया ले लें अपन, NH3 है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तो ये सब क्या है? इन सबके पास क्या है? सक्रिय हाइड्रोजन है। तो ये सक्रिय हाइड्रोजन यौगिक गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ H2, H4OH, अमोनिया ले सकते हैं HNH2, प्राथमिक एमीन ले सकते हैं NHR, द्वितीयक एमीन ले सकते हैं NRR। तो ऐसे यौगिक जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, सक्रिय हाइड्रोजन होता है, इनके साथ अब अपन जानते हैं कार्बन पे माइनस, धातु पे प्लस, इधर एच पे प्लस, OH पे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस। इस प्रकार से अपन आयनिक रूप में लिखे हैं तो अपन को पता है कि इस पे माइनस है तो ये किससे जुड़ेगा? प्लस से, और Mg पे प्लस है तो ये किससे जुड़ेगा? माइनस से। तो इन सबसे अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3H का मतलब CH4 प्लस Mg, अगर OHX अगर OH है तो, और यदि NH2 है तो Mg NH2X, प्राथमिक एमीन है तो Mg NHRX। तो इस प्रकार से एल्केन का निर्माण होता है। तो अपन ये कहें कि वे यौगिक जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, वो गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर एल्केन का निर्माण करते हैं। अब अपन अन्य एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो एल्काइन के पास भी क्या पाया जाता है? सक्रिय हाइड्रोजन होता है। तो वन एल्काइन भी गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर एल्केन का निर्माण करती है,
जैसे मान लो मैं अभिक्रिया लेता हूँ बिना अभिक्रमक लिखा मैंने CH3MgCl, इसका नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये गिनार अभिक्रमक है। और अब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया अपन एल्काइन के साथ, एल्काइन की कौन सी लेनी है, वन एल्काइन जिसके पास क्या पाया जाता हो, एक्टिव हाइड्रोजन होता हो, एक्टिव एच होता हो, सक्रिय हाइड्रोजन होता हो। तो इधर आएगा आंशिक माइनस, धातु पे आंशिक प्लस, इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आंशिक नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से तो इससे जो प्रोडक्ट बढ़ेगा वो एल्केन प्लस धातु Mg, इससे सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर और Cl। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, एल्केन का निर्माण हुआ। तो अपन गिनार अभिक्रमक की सहायता से एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अब अपन को इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि गिनार अभिक्रमक की सहायता से सक्रिय हाइड्रोजनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनती है। तो अपन ये कहें कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का या समूह का गिनार अभिक्रमक की सहायता से अपन आकलन कर सकते हैं, इसको कहते हैं जेरेविटिनोव विधि। अपन ये कहें कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में सक्रिय हाइड्रोजन का आकलन गिनार अभिक्रमक की सहायता से कर सकते हैं। तो सक्रिय हाइड्रोजन का आकलन करना किसकी सहायता से, गिनार अभिक्रमक की सहायता से। तो ये विधि कहलाती है जेरेविटिनोव विधि, को कहते हैं जेरेविटिनोव मेथड, जेरेविटिनोव मेथड कहते हैं। मतलब कि अपन ये कहते हैं कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह का आकलन करते हैं, समूह सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह का क्या करते हैं अपन, आकलन करते हैं। तो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह का आकलन करने की ये विधि जेरेविटिनोव मेथड कहलाता है। अपन ये पता लगा सकते हैं गिनार अभिक्रमक की सहायता से कि कौन से कंपाउंड में कितने सक्रिय हाइड्रोजन है। तो इसका अपन आकलन आसानी से गिनार अभिक्रमक की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।